ब्रह्मा के मानस पुत्र और शिल्पदेव विश्वकर्मा भगवान की जयंती आज महाफे के गौरा कंपनी में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं रंजना ताई सोनावने के सौजन्य से यहाँ पारंपरिक विधि विधान के बीच शिल्पदेव विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंपनी कारखानों से जुड़े उद्यमी, समाज सेवक और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए झलकियाँ। आज देश भर में शिल्पदेव भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज महापे के गौरा कंपनी में पारंपरिक विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं रंजना ताई सोनावने के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में गौरा कंपनी कारखानों के कर्मचारी, उद्यमी, समाज सेवक और विश्वकर्मा भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद यहाँ महाभंडारा भी चला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि वे लगातार 30 वर्षों से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते आ रहे हैं, इससे उन्हें सदैव प्रगति और सम्मान मिलता रहा है। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैं 30 साल से, मेरी जो कंपनी है गौरा, ये विश्वकर्मा जी की पूजा करते आ रही है। जैसे कि हम कुछ जानते भी नहीं थे, तब से हम देख रहे। 17 सितंबर ये जो है उनकी जन्मतिथि है। आज लोहा लकड़ में काम करने वाला हर कारीगर उनकी पूजा करता है, और हम भी लोहे का काम करते हैं, लोहा लकड़ में काम करते हैं, और इस लोहा लकड़ ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, और इसलिए हर साल हम पूजा करते हैं। हर साल हम देखते हैं जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं इस लोहे में, उतना ही ज़्यादा फल हमें यहाँ मिलता दिखाई देता है। और एकमात्र ऐसे भगवान है कि जिनकी जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं। 17 सितंबर तो 17 सितंबर ही है, इसलिए ये साल तीसरा हुआ है। 30 साल हो गए हम पूजा करते हैं, बहुत आनंद मिलता है। सारा परिवार हमारा यहाँ जुड़ता है, जो मित्र परिवार है वो भी यहाँ जुड़ता है और आनंद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।